मातरम भारत माता के लिए झंडा ऊंचा है हमारा। मैं सुंदर विजय ओम प्रकाश तलंगी भारतीय सेना। दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि कोरोना के नाम पर, कोरोना में जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं और किस तरह से लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ठीक है, इससे भी इस पर भी इंसान को शर्मसार करने वाली घटनाएँ होती है और ये सेना में भी होने लग गया मेरे भाई, ठीक है। अभी ये इलाहाबाद की घटना, इलाहाबाद के अंदर जो है वार्ड मास्टर जो है अपना एक वार्ड मास्टर है सुबेदार अशोक कुमार, ठीक है, इलाहाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर सुबेदार अशोक कुमार है, वार्ड मास्टर है, ठीक है। वहाँ पे एक हवलदार ने खुद मैसेज दिया हुआ है और बताया हुआ है कि क्या नाम कहते हैं कि वहाँ पर जो है जो हवलदार है वो छुट्टी में था और छुट्टी में ही उसकी माँ की जरा तबीयत ख़राब हुई, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में लेके गया था। इलाहाबाद में ले जाने के बाद वहाँ पे उसने ट्रीटमेंट कराया तो उनकी जो माताजी थी वो बच नहीं पाई और उनको दुनिया से रुखसत हो गई दोस्तों। लेकिन इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते, ठीक है, इंडियन आर्मी के ये वीडियो मैं अफसर साहिबान जितने भी लोग हैं ना, सब जितने भी सेना के अंदर नौकरी कर रहे हैं सबके लिए मेरा वीडियो है दोस्तों, ठीक है। उस बंदे की माँ दुनिया से चली गई और उसको एम्बुलेंस वहाँ से बाहर, इंडियन आर्मी में सोल्जर होने के नाते वो बंदा छुट्टी में था, क्या उसको पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको प्रॉपर एम्बुलेंस हायर नहीं करवाई गई और उसने अपने जो इनकी सेटिंग चलती है ना, इन्होंने भी सेना के अंदर भी सेटिंग चलनी शुरू हो गई दोस्तों। सबसे शर्मसार घटना, सेना के अंदर भी ना सेटिंग चलनी शुरू हो गई है और बहुत ही शर्मसार हालत है, ठीक है। वो हवलदार जो है एम्बुलेंस की रिक्वायर करी लेकिन उसको एम्बुलेंस नहीं मिली और उसको जो है हायर एम्बुलेंस जो वो सेटिंग करके रखते हैं कि ये हम एम्बुलेंस आपको दिलवाएंगे वो कराएंगे, वहाँ से ना देखे उनने जिनसे सेटिंग करी जिससे उस सुबेदार को कमीशन मिलता, ये अगर वहाँ चल रहा तो हर जगह काफ़ी जगह ये चल रहा होगा और इसका इन चीज़ों का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। और सेना के अंदर जो भी ये चल रहा ना घोटाला उसको भी दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। वो हवलदार जिस तरीके से क्लियर से बता रहा है, क्लियर कह रहा है और 100% वो सही बात होगी क्योंकि वो उसकी माँ दुनिया से गई है, वो जो भी बात बोला सही बोल रहा है। उस हवलदार से उसमें दो राइट बॉडियाँ प्रयागराज में वहाँ पे उसको जलाने के लिए आई हैं, तो उसमें दो एम्बुलेंस हो तो हर एक से इन बंदों ने मतलब 14,000 रुपये दो राइट बॉडी के, वो सिर्फ 5-6 किलोमीटर लाने के लिए प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल से लेके प्रयागराज जहाँ पर जलाते हैं वहाँ पर ले जाने के लिए सिर्फ 5,000 मतलब 7,000 रुपये यानी दोनों से 14,000 रुपये ले लिए गए दोस्तों, 14,000 रुपये लिए गए। और उसके अलावा 20,000 रुपये लकड़ी की डिमांड हो रही है, 20,000 5,000 की लकड़ियाँ मिल रही है और 20,000 रुपये बॉडी जलाने के लिए जा रहा है। ये इतना बड़ा धंधा गोरख धंधा चला हुआ है कोविड के नाम पे दोस्तों। कोरोना कोई विलेन नहीं है, समझ गए, कोरोना कोई विलेन नहीं है, कोरोना एक आम नॉर्मल जैसे और बीमारियां हैं और ऐसी ही बीमारी है, ठीक है। लेकिन बीमारी के अंदर सबसे बड़ी देखो, कहने वाले ने कहा ना कि ये वक्त था कोरोना से लड़ाई का लेकिन लोग करने में लगे हैं कमाई दोस्तों, बहुत ही कमीन की बहुत शर्मसार घटना है। और जो सुबेदार अशोक कुमार है ना उसको भी शर्म लगे, अगर वो सुबेदार अशोक कुमार मेरा वीडियो देख रहा ना तो अबे तू भी सुन ले कान खोल के, तेरे को भी शर्म लगे, इंडियन आर्मी का तूने राष्ट्रपति रैंक लगा के 2 स्टार कंधे में लगा के घूम रहा, तेरे को शर्म नहीं आ रही कि इंडियन आर्मी का सोल्जर तेरे पास आया और तूने उसके बाद भी उसको जो है 7,000 में वो क्या नाम कहते हैं एम्बुलेंस आया करवाई, तुम्हारा कमीशन चलता है और तुम्हारी जो बॉडी है ना वहाँ से घिनी जुनी बॉडियाँ बाहर निकलती है क्योंकि तुम्हें सेटिंग करके जो वही एम्बुलेंस जाएगी जिससे तुम्हारे सेटिंग जिससे तुम्हारा परसेंटेज बटा हुआ है। ये बेशर्मी की हद मत करो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उस इलाहाबाद के अंदर उनके अफसर उसके कमांडर के पास भी ये वीडियो पहुँचे और इसके बारे में क्लियर पता करें और इनकी इसको मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे नकारा लोगों को जो ऐसे बेशर्म लोग हैं ना जो सेना के नाम पर धब्बा तिरंगे के नाम पर जो अब कहते हैं सेना का नाम बदनाम करते हैं, तिरंगे के नाम को नीचा करते हैं। हम देश सेवा के लिए पैदा हुए, देश सेवा के करते हुए मरेंगे और हमने भी इंडियन आर्मी के अंदर सेना के अंदर जी जान से और इज्जत के साथ नौकरी करी और सीना ठोक के और देश के लिए काम किया दोस्तों हमने, ठीक है। ऐसे हमने अपनी जेब से पैसा लगाया होगा लेकिन पैसा एक खाया नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा कमीना काम हमने कभी जिंदगी में सीखा नहीं क्योंकि इंडियन आर्मी की भर्ती के अंदर ये गलत काम किसी भी हिसाब से शोभा नहीं देते, चाहे वो किसी भी साइड से हो, ठीक है। और उससे जो है भी और वहाँ पे क्या कर रखा है, 20,000 रुपये कहते 5,000 की लकड़ियाँ दी जा रही है और 20,000 रुपये बॉडी जला के लिया जा रहा है और ये बहुत ही शर्मसार घटना है दोस्तों। कोरोना विलेन नहीं है, विलेन सबसे ज़्यादा गंदे लोग जो ये समाज के अंदर भरे पड़े हैं ना, इससे निपटना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। कोरोना तो आया है और बीमारी पर ये भी चले जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ आती है तो जाती भी है, ठीक है इसमें। और ये सबसे सबसे घटना है कि इतने लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। दिल्ली की घटना बता, दिल्ली के अंदर तकरीबन लोग 1500 लोग डेली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, 1500 लोग। कल गाजीपुर गया था, गाजीपुर के अंदर कम से कम गाजीपुर रोहड़ी से आगे गया था, वहाँ भी मैं क्योंकि मैं ग्राउंड में ही कोई चीज़ देखना चाहता हूँ, अभी मैं
हो सकता है कल या परसों फिर निगम बोर्ड जाएगा, वहाँ का भी दिखाऊंगा। तकरीबन 1500 लोग डेली कोरोना से मर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और वहीं तकरीबन रोडों में बॉडी वेट कर रही थी, और पूरा कोरोना से लेकर प्लस वाले बॉडी कम से कम 100-150 बॉडियाँ वहाँ कंटिन्यू जल रही हैं। और निगम बोर्ड घाट लगा लो, कहीं भी बोर्ड घाट लगा लो, तकरीबन हर जगह 400 बॉडियाँ पर डे के हिसाब से जलाई जा रही है, और कम से कम 1500 बॉडियाँ डेली जल रही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भी कम बढ़ जा रही है। तो कोरोना की इस बुरी हालत, कोरोना ने इस तरह से लोगों को घेर लिया है, कुछ घबरा के भी परेशान हो गए हैं, और कुछ लोगों की वैसे भी, और जिस तरह से गदर मचा हुआ है इस मतलब के जिस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कह रहे कि ये सस्ता कर देंगे वो कर देंगे, इंजेक्शन सस्ता कर देंगे वो कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इंजेक्शन सस्ता मतलब, लेकिन अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई पॉजिटिव है, कोई कोरोना जिसको नहीं उसको कोरोना घोषित करके उसको कहते हैं अंदर घुसने दे रहे हैं, और कहते हैं जो बंदा 4 बजे तक ठीक है, 4 बजे तक ठीक है, चलो मैं ठीक हूँ बोला, और 4:15 बजे उसकी डेड बॉडी बाहर आ रही है कि वो मर गया है, उसको बॉडी को ले जाओ, और रहते थे नहीं। इतनी गंदे कार्रवाई हो रही है कि एक लेडीज़ कहीं मरी, और उसके जो है बिल पेड मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके जो है उसके डेड बॉडी से अंदर गहने भी निकाल लिए, ठीक है, बिल पेमेंट करने के लिए। यार ये कैसा इस देश के अंदर इतना मतलब ये समाज इतना गिर चुका है दोस्तों, सबसे गंदे हम लोग हैं यार, ठीक है, सबसे गंदे हमें निकम्मे हैं, नकारा लोग हैं, जो अपने परिवार के जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया है अगर उनको कोरोना हो रहा है तो हम उनको ले जाने के लिए उनको डेड बॉडी को जलाने, यार जो बंदा वो जला रहा है वो भी तो बंदा जला रहा है, वो भी तो इंसान है ना, जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया जन्म दिया तुम उसकी बॉडी जलाने में तुमको शर्म आ रही है, तो तुम्हारे पास तो तुम ऐसे जो ऐसे नकारा गंदे लोग हैं ना, जो मतलब दम भरते हैं कि कोरोना ये हो जाएगा, और वैक्सीन लगाने का थक थक दौड़े दौड़े जा रहे हैं बिल्कुल जान बचाने के लिए कि कहीं मेरी सांस ना रुक जाए, समझ गए। अगर आप मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, और आप प्रोकेशन सही तरीके से ले रहे हैं, और आप घबराते नहीं हैं, दिल आपका मजबूत है ना, आपको कोई कोरोना फरोना कोई नहीं घेर सकता, ये मेरे डायरेक्ट चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं। और मैंने अभी तक इंजेक्शन लगाया है, हो सकता है कि आगे समय में भी मैं कभी इंजेक्शन लगाऊंगा, और मैं तकरीबन इसी इलाके में ज़्यादा घूमता, ऊपर वाला का भी कर्म है, और अपना दोस्तों कभी भी है ना बहुत से घबराना नहीं है, लापरवाही भी नहीं करनी है, लेकिन जो है ये चीज़ ग्राउंड के अंदर सच्चाई भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। इतना गदर मचा है यार, 1500 बॉडियाँ डेली जल रही हैं, और इस तरीके से मतलब लाशों का वो चल रहा ना, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। गरीब आदमी ऐसी मर रहा है, और जो है लोगों को कोविड बता बता के, और किसी को मतलब ऑक्सीजन के नाम पे जो है कितने लोग दुनिया से चले गए हैं। हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन का ही भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला हुआ है कि ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पा रहे हमारे देश में, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और देश को बांटने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में डिबेट करा करके, लाखों डिबेट है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये मैंने पहली बार देखी डिबेट होती है, धर्म को बांटने की कोशिश जाती है। हमारा देश हिंदुस्तान एक है, और एक था और एक हमेशा रहेगा, हिंदू मुस्लिम अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के संबंध बंदी, हिंदू मुस्लिम सिख है सब भाई भाई है, और भारत में पैदा हुए, भारत का आधार कार्ड है, सबको यहाँ रहने का रहा है, किसी की ताकत नहीं है कि उनको यहाँ से बाहर निकाल सके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो या ईसाई हो, किसी इमेज को बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। धारा 370 हटे कोई भी हटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा अंग है तो हमारा अंग ही है, वो हमारा अंग है, समझ गए नहीं समझ गए, इसमें खुशी मनाना उसमें नहीं कोई वाली बात नहीं होती है, हम सब ने मिलकर जो है देश को उठाना है, ना कि धर्मों में बांटना है दोस्तों, ठीक है। और इस समय एक बन जाओ और सपोर्ट करो, आसपास कॉलोनी के अंदर सपोर्ट करो यार, श्रम बेश्रमों की तरफ वो मत करो, समझ के, अगल बगल में कोरोना हो रहा है या कोरोना से किसी की डेथ होती है, बगल वाला उसके अगल बगल वाला दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता, शर्म आ चाहिए, हम जो जाते हम लोग नहीं जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, हैं क्या मुझे करो, हमें मर गया है, उसको कोई ना कोई तो जला रहा होगा, रोड में कोई लाश तो सड़ ली रही ना, कोई ना कोई किस कोई ना कोई बनता तो उसको जला रहा ना, चाहे पर्सन जला रहा। एक बहू और बेटे ने क्या किया कि बेटा ऐसे कलंक बेटे ना, भगवान करे किसी को ना दे ऐसे, ऐसा बेटा और बेटी भी किसी को ना दे। एक बुजुर्ग महिला को की तबीयत खराब हुई है, उसको फ़ोन किया उसकी बेटी को, शादी शुदा बेटी को कि अब इसको अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, उसने आने से मना कर दिया कि उसको मम्मी को कोरोना मैं नहीं आऊँगी। तो ऐसी बेटी कलंक बेटियों की भी कोई देश में जरूरत है ना, समाज में जरूरत है ना, कोख के अंदर पैदा होने की ऐसी लड़की जरूरत है ना, ऐसे लड़कों की जरूरत है जो प्रशासन के बंदों से बोल रहा है कि अब बहू और बेटे बोल रहे कि इस बॉडी को जला दो हम आपको पैसे दे देंगे। 70% पर्सन कमा रहा है और नोट कमाई हो रही है दबा के, और जो पैसे वाले वो पैसे देकर चले जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला कि बॉडी कब जले मरे खपे यार, कम से कम इंसान की शक्ल तो देख रहे हो, तुम्हारा बंदा ही वो वहाँ जलाया जा रहा है, या तुम्हारे बंदे को कलर के नाम पर मारो बता दिया, और उसको मार मूर के उसके किडनी फेफड़े सब निकाल के बेच दिया है, और तुम्हें ये करने की भी हिम्मत नहीं आ रही। अरे पीबीजी किट पर कुछ नहीं होता भाई, पूरा किट प्रोफेशन पहन के उसकी बॉडी देखो, उसका चेहरा देखो कि वो तुम्हारा बंदा है या नहीं है, या उसकी जगह कोई दूसरा जलाया जा रहा है, ठीक है। ये घपलेबाजी भी चलिए, किडनी का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, देख रहे थे आप लखनऊ में कितना गदर, कहाँ कहाँ गदर मचा हुआ है, लोग पैसे कमाने में ना इतने अंधे हो चुके हैं कि मरीज थे कि भी कोई भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। वो लोग तो कमियाँ कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने को तो खून जो तुम्हारा खून है यार उसका तो सपोर्ट करो, अगर वो मर गया बीमार हो गया करोना